बहुत गंभीर विषय है आपको, बहुत गंभीर विषय है आपको निपटाने के लिए, आपके लोग बहुत है, हमारी जरूरत नहीं पानी पाने के लिए। माने माने प्रतिपक्ष के नेता, हमको सपने में किस रूप में आते हैं ये आपको ध्यान है? अब वो कोई बात नहीं, आना चाहिए। हमारे सपने में डोटासरा जी आते हैं, ये सारा मेरा टाइम ले रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे सभापति जी, ये मेरा टाइम ले रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा आप कंट्रोल करें कि जेजेएम की जो आप बात कर रहे हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और वो पैसे दे रहे हैं, वो एक चीज स्पष्ट क्लियर करना चाहूंगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, उस समय जो पानी का पैसा दिल्ली से आता था वो 90% पैसा भारत सरकार देती थी और 10% पैसा राजस्थान सरकार देती। लेकिन घर घर नल पहुंचाऊंगा का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी और 25 के 25 राजस्थान के सांसद होने के बावजूद, राजस्थान के जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद, जो पैसा पहले 90% मिलता था वो पैसा आज 45% कर दिया है। इस बात में गलती हो तो मंत्री जी आप बता देना। ये तो आपका घर घर नल का मिशन है, उसकी सच्चाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं पानी के, पानी की हालात, माननीय स्पीकर साहब चले गए, खुद अध्यक्ष जी ने कहा कि अजमेर के अंदर भी 4-4 दिन के अंदर पानी आ रहा है, ये आपकी दावों की पोल खुल रही है। और मैं बात करना चाहूंगा अलवर के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश के अंदर किसी बुजुर्ग एडवोकेट ने पानी नहीं मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आपके टाइम का है ये, ऐसे उंगली उठ घुमाने से पता नहीं चलेगा, जो सच्चाई है वो समझ नहीं पड़ेगी। गंदा पानी आने की वजह से, आपके जवाब में बता देना, आपके जवाब में बता देना, ये भी बता देना कि अलवर में गंदा पानी आने की वजह से पीलिया फैल गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई और काफी लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये सिर्फ एक अलवर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश का यही हाल है। मैं बात करूं अगर अलवर की, कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जहां पानी के लिए अलवर के अंदर धरना नहीं होता हो, अलवर ग्रामीण रूरल के अंदर धरना नहीं होता हो। और जो आपकी जनसुनवाई है, कलेक्टर को अलग टेंट लगाना पड़ा सिर्फ पानी की जनसुनवाई के लिए, और पुलिस लगा दी सभापति महोदय कि जो पानी की समस्या वाले लोग हैं उनको अंदर नहीं आने दो, उनको उस टेंट में बैठा दो, और उस टेंट के अंदर भी उन लोगों को पीने का भी पानी नहीं मिला। ये इस सरकार की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। रहीम जी का एक दोहा है कि रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून। आपकी सरकार बनी, आपके पास चुनौती थी पानी की, बिजली की, दोनों ही मुद्दों पर फैल रहे हैं आप। और देश में एक नारा भी लगता है कि बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये जनता ने तय कर लिया है, ये जनता ने तय कर लिया है। और मैं कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ये लोग अब जो मेरी स्पीच के ऊपर चिल्ला रहे हैं, इन्हीं में से 50 लोगों ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की भयंकर समस्या है, उस चीज को कैसे जुटला पाओगे आप? ये बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप मानते नहीं, ये सच्चाई है, हकीकत है। अभी बिजली पे आऊंगा जब भी बताऊंगा एक हकीकत जो सीएम साहब के डिनर पे हुई, वो भी मैं बताना चाहूंगा। आपके मंत्री जी यहां पे मौजूद हैं, मंत्री जी ने कह दिया कि मैं कोई बालाजी थोड़ी ना हूं जो फूक मार के पानी ला दूं। ये
उस बरसात का पानी भी नहीं सहज पा रहे। ये राजस्थान सरकार का पानी वाला मंत्री अगर ये कहे कि मैं कोई बालाजी थोड़ी हो जो फूंक मार के पानी ला दूं, तो पानी लाएगा कौन? जनता ने जिम्मेदारी दे दी, सरकार बना दी, डबल इंजन की बना दी, और अब तो कई इंजन है, ट्रिपल ट्रिपल इंजन भी आपका। अभी रहने दो दोगाराम जी, अब बाद में बोल देना, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा। क्यों नहीं दे पा रहे आप पानी? ये आपकी स्थिति है जो हकीकत है। और इसमें जो मंत्री जी का बयान आया ना, उसमें वो एहसाय निराश नजर आ रहे हैं कि वो पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ये बात आपको कहना चाहूंगा। नहीं तो आप कहते कि बालाजी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं राजस्थान सरकार का जलदाय मंत्री हूं, पूरी व्यवस्था कराऊंगा, चिंता मत करिए। जब तो कोई बात होती। मैं आपको कहना चाहूंगा जी, जिम्मेदारी से आप बच रहे हो ना, उसी पे एक इर्तिजा निषाद की ओर से एक शेर पेश करता हूं कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आज इतनी जल्दी टाइम नहीं हुआ है, टाइम हमारा है, ये घड़ी मत दिखाओ, सभापति प्रेशर मत डालो, बात पूरी सुननी पड़ेगी। आपको अगर काम करना था, हमारी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी हर बार जनवरी फरवरी के अंदर मीटिंग करते थे, आप भी कर लेना, कंटिंजेंसी प्लान तैयार होता था, कलेक्टर्स को पावर दिए जाते थे, डिपार्टमेंट की तरफ से हैंडपंप ट्यूबवेल दिए जाते थे, टैंकर दिए जाते थे, आपने कराए नहीं। आज हालत यह है, 70% जो राजस्थान है डार्क जोन में, मैं बता दूंगा कितने कराए हैं, तो ये कपड़े नहीं फटते आप लोगों के, जो पूरे प्रदेश में फटने लग रहे हैं। और आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अगर पानी आता ना तो मुख्यमंत्री पंप हाउस जाकर नहीं जाता, अगर पानी आता तो मुख्यमंत्री को पंप हाउस चेक नहीं करना पड़ता, यह आप लोगों की हालत है। मुख्यमंत्री पंप हाउस चेक करते घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को पंप हाउस चेक करना पड़ रहा है। आप कब तक छिपाओगे, कब तक इन चीजों को छिपाओगे, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने हरियाणा से कभी बात नहीं की, यमुना जल समझौते में लेटर नहीं लिखा, आप कह रहे हो। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने, ये भले आदमी मुख्यमंत्री जी जो अधिकारी लिख के देते हैं बोल देते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा यमुना का पानी जो झुंझुनू फीडर माने था, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी कहा समय, आपको जो समय दिया अलॉट टाइम है, आपने अलॉट किया टाइम, मैंने दिया है, आपने दिया, आपने दिया समय, मैं ये सारा टेबल कर दूंगा, आप बात सुनिए, आपने जो समय दिया आप हमारे संसदीय कार्य मंत्री कहने से मत चलो सभापति जी, थोड़ी बहुत हमारी मान लो, दिया समय मैं थोड़ी दिया, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी ना, सारा समय आप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी मैं टेबल कर दूंगा, ठीक है, जो लेटर है वो टेबल कर दूंगा, मुख्यमंत्री जी तक वो जवाब चला जाए कि वहां इस सदन के अंदर आप जो चीज बोल रहे हो ना वो सोच समझ के पढ़ के और उसके बाद बोले, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज पानी की जो स्थिति बन रही है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस की, अलवर के अंदर जिन्होंने जेजेएम के अंदर भ्रष्टाचार किया, किसी फैक्ट्री के लिए स्पेशल बताया, उन लोगों को हमने सस्पेंड किया और आप लोगों ने बहाल कर दिया, ये आपका भ्रष्टाचार के विरुद्ध टॉलरेंस है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप जल जीवन मिशन चलाने के लिए आपकी पूरा जो विभाग है उसको क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको प्राइवेट करना चाहते हो, उसको ठेके पे देने चाहते हो, ताकि इन पीएसडी के कर्मचारियों को सैलरी तक समय पे नहीं मिल सके, क्यों
करना चाहते हो आप इसको RWSSC को क्यों देना चाह रहे हो सब कुछ, ताकि ये लोन ले ले, कर्ज ले ले और ये काम चलता रहे? ऐसा नहीं, ये विभाग इसको मजबूत करिए मंत्री जी, इस विभाग को कमजोर करने का काम मत करिए। पहले इस डिपार्टमेंट के अंदर, पहले कर्मचारी होते थे, पूरा विभाग रहता था, पूरा मेटेरियल रहता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज सब ठेकेदारों पे डिपेंड हो गए और आप जो बचा है उसको भी प्राइवेट करना चाह रहे हो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसका प्राइवेट का अधिकारी विरोध कर रहे हैं, हम भी विरोध करेंगे, ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पानी का बोलने का मौका दिया।